Hello friends, welcome to Biology by Bibhu, and this is your educator Bibhu Prasad Ratha. We have previously seen what is monohybrid cross, what is dihybrid cross, what are the laws of heredity and what is Mendelism, etc. In this video series, I am going to talk you about what is Testcross, what is Backcross. They are actually some modifications in those monohybrid crosses and dihybrid crosses. So keep watch this video till the end to get all the details about this type of crosses. Thank you. So what is Testcross and what is Backcross? देखिए, सबसे पहले Backcross के बारे में देखते हैं, उसके बाद Testcross में जाएंगे क्योंकि Backcross का एक मॉडिफाइड वर्जन है Testcross। सो देखिए Backcross क्या होता है, द क्रॉस ऑफ एन F1 हाइब्रिड। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस जिसके बारे में भी हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था कि सबसे पहले एक प्योर लाइन पेरेंट्स को लिया जाता है, फिर उनसे हाइब्रिड फॉर्मेशन किया जाता है और फिर उनसे सेल्फ क्रॉसिंग करके उनसे दूसरा जनरेशन यानी कि F2 जनरेशन फॉर्मेशन किया जाता है। उसी तरह से हम वही टेक्निक को इसमें भी यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट वे में इसको यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर F1 हाइब्रिड को सिलेक्ट करना है और F1 हाइब्रिड को सिलेक्ट करने के बाद उसको किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करना है, यानी कि एक क्रॉस को पीछे ले जाना है। हम जो क्रॉस आगे ले जा रहे थे उसको पीछे ले जाना है। उसी तरह से हम बैक क्रॉस फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बैक क्रॉस में भी दो केसेस आएंगे, टेस्ट क्रॉस में भी दो केसेस आएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों किया जा रहा है। देखिए बैक क्रॉस में सबसे पहला केस आता है कि एक क्रॉस हम F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवा सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पर F1 हाइब्रिड को लिया गया है और F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट टॉल के साथ क्रॉस किया गया है। सबसे पहले उनका गैमेट फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि F1 हाइब्रिड का आप देख सकते हो कैपिटल T स्मॉल t और डोमिनेंट ट्रेट का कैपिटल T और कैपिटल T गैमेट फॉर्मेशन हो गया। फिर उनको एक पोनेट स्क्वायर में क्रॉस करके दिखाया गया है कि उनका जो जनरेशन आएगा, मतलब के रिजल्ट क्या आएगा, तो 100% हमें टॉल ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए अगर हम F1 हाइब्रिड को प्योर डोमिनेंट एलीली के साथ क्रॉस करते हैं तो हमें 100% डोमिनेंट कैरेक्टर ही मिलेगा। यही इस बैकक्रॉस में यही दर्शाता है। लेकिन अगर हम दूसरा केसेस के बारे में देखें, जिस केस में हम क्या लेते हैं ना, F1 हाइब्रिड को हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, तो उस केस में क्या होगा आप यहाँ पर देख सकते हो। F1 हाइब्रिड का मैंने गैमेट फॉर्मेशन किया है जो कि है कैपिटल T और स्मॉल t। रिसेसिव का मैंने गैमेट फॉर्मेशन किया है जो कि है स्मॉल t और स्मॉल t। अगर आप उनका क्रॉस देखें तो वहाँ पर हाफ ऑफ द प्लांट आपको डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे और हाफ ऑफ द प्लांट आपको रिसेसिव कैरेक्टर शो करेंगे, मतलब कि वहाँ पर कंडीशन 50-50 आ जाएगा। लेकिन केस वन में कंडीशन आपको 100% डोमिनेंट दिखाई देगा। तो इस तरह का क्रॉस हम क्यों करते हैं ना, ये असल में यूजफुल होता है उन स्टडीज़ में जिनमें कि हम एक कैरेक्टर को सेपरेट करना चाहते हैं या फिर आइसोलेट करना चाहते हैं। मान लो कि हम टॉल साइड में ही बार बार क्रॉस कराएंगे, मतलब कि हम उस टॉलनेस की कैरेक्टर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। अगर हम ड्वार्फ साइड में क्रॉस कराएंगे यानी कि हम ड्वार्फ कैरेक्टर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। उसी तरह से अगर हम दूसरा केसेस के बारे में देखें तो वहाँ पर भी वही केस है। तो इस तरह से हम एक कैरेक्टर को प्रिजर्व करने के लिए बैक क्रॉस करते हैं। लेकिन जो टेस्ट क्रॉस होता है वो क्या है, देखिए वो बैक क्रॉस का एक मॉडिफाइड वर्जन है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होगा ना, एक क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप एंड ए रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। देखिए यहां पर एक क्रॉस होता है जिस क्रॉस में हम एक अननोन जीनोटाइप को लेते हैं। हमें पता नहीं है, हम जो भी जीनोटाइप लेते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं है। मान लो कि वो एक डोमिनेंट है, लेकिन वो हेटेरोजाइगोट डोमिनेंट है या फिर होमोजाइगोट डोमिनेंट है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो एक अननोन डोमिनेंट कैरेक्टर का जीनोटाइप एस्टेब्लिश करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। इसका नाम भी यही सजेस्ट करता है। और उसको हमें रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करना चाहिए। देखिए इसीलिए ये एक बैकक्रॉस का मॉडिफाइड वर्जन है, क्योंकि हम यहाँ पर एक F1 हाइब्रिड को लेते हैं। मान लो कि वो F1 हाइब्रिड भी हो सकता है, लेकिन या फिर कोई प्योर लाइन डोमिनेंट भी हो सकता है, लेकिन उसका क्रॉस हम सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पैरेंट के साथ ही कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एक टाइप का बैकक्रॉस है, लेकिन उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। और यहाँ पर जैसे कि हम जीनोटाइप को टेस्ट कर रहे हैं कि वो जीनोटाइप क्या है, इसलिए ये इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो सबसे पहला वाला केस है द क्रॉस कैन बी मेड बिटवीन प्योर डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो हम यहाँ पर आइदर प्योर डोमिनेंट ले सकते हैं, जैसे कि कैपिटल टी, या फिर प्योर, हाँ, उसको एक रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे जो कि है स्मॉल टी। ये है केस वन, जिसका पिक्चर आप अभी राइट साइड में देख सकते हो। तो उस पिक्चर में आपको क्लियरली दिखा गया है कि मान लो कि जो अननोन वाला कैरेक्टर है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो कैपिटल टी आएगा। कैपिटल टी से हम जो गैमेट ऑब्टेन करेंगे, तो वो गैमेट क्या होगा, वो कैपिटल टी होगा। उसके साथ जो रिसेसिव वाला स्मॉल टी है, उसको अगर हम क्रॉस करें तो हमें ऑल द कैरेक्टर्स वो टॉल ही मिलेंगे, हाइब्रिड टॉल। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अननोन जीनोटाइप हमने लिया था वो प्योर डोमिनेंट है। लेकिन आप दूसरा केस देखो, द क्रॉस कैन बी ऑल्सो मेड बिटवीन द हाइब्रिड डोमिनेंट एंड द रिसेसिव वन। इस पिक्चर में देखो, मान लो कि जो प्लांट हमने लिया है उसका हमें पता नहीं है कि वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हाइब्रिड डोमिनेंट है, उसके बारे में हमें पता नहीं। हम जब क्रॉस करते हैं, अगर उस क्रॉस में हमें 50% टॉल और 50% ड्वार्फ मिल रहा है, देखिए यहाँ पर गैमेट ले लिया गया है। गैमेट जैसे कि आप देख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी है अननोन के साइड से, और नोन के साइड से आपको स्मॉल टी लेना है क्योंकि वो रिसेसिव है। तो जब हम क्रॉस करेंगे तो आपको कैपिटल टी की ओर से कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा जो कि 50% है, और स्मॉल टी की तरफ से आपको स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी ही मिलेगा, मतलब कि 2 ड्वार्फ प्लांट और 2 टॉल प्लांट आपको मिलेगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 50% डोमिनेंट केसेस देखते हैं और 50% रिसेसिव केस देखते हैं। तो जब केस ऐसा आएगा तब हमें कंक्लूड कर लेना चाहिए कि हमारा जो अननोन जीनोटाइप का प्लांट है वो हाइब्रिड है। लेकिन अगर हमें 100% डोमिनेंट मिल रहा है तो हमें कंक्लूड कर लेना चाहिए कि उस केस में हमने जो अननोन जीनोटाइप को लिया है वो प्योरली डोमिनेंट है। तो इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं ना, इट इज सो कॉल्ड बिकॉज टू टेस्ट वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। देखिए इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये क्रॉस को हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम एस्टैब्लिश कर सके कि ये किस तरह का, मतलब कि किस तरह का जीनोटाइप को हमने अननोन की जगह पर लिया है, उसका जीनोटाइप क्या है, वो क्या दर्शाता है, यही सब देखने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस ये मेंडेलिज्म का एक पार्ट है। और ये देखिए, ऑफ कोर्स इसको मेंडल ने डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन उसके बाद ये डिस्कवर हुआ, और ये सब बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है जो कि अभी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सब में यूज़ किया जा रहा है। डिफरेंट वेराइटीज़ फॉर्मेशन करने के लिए, डिफरेंट क्रॉप प्लांट फॉर्मेशन करने के लिए, या फिर उनका कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए ये सब क्रॉस किया जा रहा है। तो ये सब बहुत ही यूज़फुल क्रॉसेस है जिसके बारे में हमें जानना है, और ये भी हमारे नीट पर्सपेक्टिव के ओर से भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर भी कई क्वेश्चन आ चुके होंगे। तो अगर हम क्वेश्चन के सीरीज़ को भी डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम देख सकेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस देन डू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस एंड स्क्रीन वीडियोज़ ऑल्सो इन द एंड स्क्रीन ऑप्शंस। थैंक यू।